अब हम बात करेंगे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की जरूरत तीन कंडीशंस में पड़ सकती है। पहला वो जहां पे जो लेडी है वो ऑलरेडी किसी एस्टैब्लिश्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज नहीं कर रही है और वो एक अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स में इन्वॉल्व होती है, तो उन्हें इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की जरूरत पड़ सकती है। दूसरे वो जो ऑलरेडी एक रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर रहे हैं पर वो किसी कारण से डिफंक्ट या फेल कर गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो है कॉन्डम स्लिप हो गया या कॉन्डम ब्रेकेज हो गई। और जो सेक्सुअल असॉल्ट के सर्वाइवर्स होते हैं उन्हें हमेशा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दे देना चाहिए उनके ओवरऑल फिजिकल और मेंटल वेलबींग के लिए। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड देते समय और यूज करते समय हमेशा ये याद रखने की जरूरत है कि ये एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। हमेशा हमें क्लाइंट को ये समझाना है कि ये सिर्फ वंस और रेयरली यूज करने वाली चीज है, इस पे वो हैबिचुअल डिपेंडेंस ना बना ले, और हमेशा उन्हें एक ऐसा मेथड एडवाइस करिए बास्केट ऑफ चॉइस में से जिसको वो निकाल सके और जिसको वो परमानेंटली एडॉप्ट कर सके। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में अपने क्लाइंट्स को इन्फॉर्म करना होता है जब वो हमसे हेल्प लेते हैं। हमारे पास दो चॉइसेस हैं, एक है जो सबसे कॉमनली पिल अवेलेबल है अब गवर्नमेंट सप्लाई में भी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो इजी पिल के नाम से आती है, और दूसरा है कॉपर टी। जो इजी पिल आती है वो हम 72 घंटे के अंदर अनप्रोटेक्टेड इंटरकॉर्स के 72 घंटे के अंदर अगर दे देते हैं तो वो इफेक्टिव है। कॉपर टी को अनप्रोटेक्टेड इंटरकॉर्स के 5 दिन के अंदर तक लगाया जा सकता है। जब हम किसी लेडी को अनप्रोटेक्टेड इंटरकॉर्स के बाद आई पिल या इजी पिल देते हैं तो जो उसका कंटेंट होता है वो बेसिकली होता है लीवो नॉर जेस्ट्रल। ये एक तरीके का प्रोजेस्ट्रॉन है और जो डोज होती है इमरजेंसी पिल में वो होती है 1.5 मिलीग्राम्स की सिंगल टैबलेट। एक सिंगल एक्ट ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स में ये टैबलेट करीब 85% तक एफिकेसी रखती है टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। जो माइनर साइड इफेक्ट्स इस टैबलेट को लेने के बाद देखे जा सकते हैं वो है नौजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन। तो यदि कोई क्लाइंट इसको लेते हैं और लेने के 2 घंटे के अंदर अगर उनको वॉमिटिंग हो जाती है तो ये पिल अनइफेक्टिव है। इसको उन्हें फिर से एक एंटी वॉमिटिंग ड्रग के साथ दोबारा लेना पड़ेगा। अगर यही वॉमिटिंग पिल लेने के 2 घंटे के बाद होती है तो कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी लेडी को इमरजेंसी पिल लेने के बाद उसके ड्यू डेट पे उसका पीरियड नहीं आता है तो उन्हें हमेशा प्रेगनेंसी टेस्ट करके अपने डॉक्टर से एडवाइस ले लेनी चाहिए कि पीरियड मिस क्यों हुआ होगा। तो ये तो बात हो गई इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो गवर्नमेंट सप्लाई में इजी पिल के नाम से फ्री ऑफ कॉस्ट हर जगह उपलब्ध होती है। अगर ये एपिसोड आपको यूजफुल लगा तो प्लीज लाइक माय चैनल लर्न ओबीजी विद डॉक्टर वंदना, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन्स फॉर फर्दर मोर वीडियोस। सी यू, बाय। टू गेट मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन।